जय हिंद दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये पिछले क्लास का होमवर्क था, जिसका हम आपसे बोले थे कि अगर आप आंसर जानते हैं या समझ गए हैं तो आंसर कम से कम कमेंट बॉक्स में बताइए। अब अगर आपका कमेंट आया तो अच्छा बात है, नया आया तो चलो ठीक है, हम ही बता देते हैं कि करना क्या है। इसमें एक रेडियो राम जो है मोहन को भेजा, बता तो सब पहले दिए थे, आज डायरेक्ट लिख देते हैं 20% मतलब 5 से 6 हो जाना और 25% मतलब 4 से 5 हो जाना। फिलहाल 5 से 5 कटा, अगर तिरछा तिरछी कटता है तो काट ही देंगे, और कट रहा है 2 दूनी 4 3 दूनी 6 तो काट ही देंगे। इसका मतलब हो गया शुरुआत में 2 रुपया तो लास्ट में 3 रुपया। शुरुआत वाला राम है, लास्ट आते आते सोहन है, लेकिन अगर बात की जाए कि सोहन का लागत मूल्य कितना है तो 1000, तो अजीब सा वैल्यू आ रहा है 1000, इससे कई गुना ज़्यादा। जब समझ में नहीं आवे तो 1000/3 कर दो, यानी 3 में हम 1000/3 से गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो ठीक है, 2 पहुँचने के लिए 2 से गुना कर दीजिए, मतलब इसका आंसर एकदम जो होमवर्क में दिए थे वो है भी, वो था भी वैसन के उटपटांग 2000/3। अब 2000/3 आप भागा दे के आंसर लिख लीजिए। देखो 2000 में 3 से भागा देना इतना टफ बात नहीं है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां ग्यारहवां बारहवां यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो भागा तो जरूर कभी न कभी तो ज़रूर सीखे होंगे। भागा दे दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। आज ऐसे भी पार्ट नंबर 23 है, ये तो 22 वाला क्वेश्चन था। तेईस आज का जो टाइप है, इसमें 3 क्वेश्चन है ना। पहला नंबर है कि एक व्यापारी ने एक घोड़ा खरीद कर उससे 10% के लाभ पर बेच दिया। अच्छा, एक व्यापारी ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया। 10% के लाभ पर बेच दिया, 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह उस घोड़े को, यदि वह उस घोड़े को 25% कम में खरीद कर 25 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे तो घोड़े का क्रय मूल्य बतावे। घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। अरे यार क्वेश्चन गड़बड़ हो गया कि व्यापारी ने घोड़ा खरीद कर उसे 25% के लाभ पर बेच दिया। पच्चीस परसेंट हर जगह 25-25 चल रहा है, तेजा भी 25 कर दो, यहाँ 10 घायल कर दिए, 25 होगा। क्वेश्चन गलती से कुछ और उतार लिए, 25% के लाभ पर बेच दिया, दिवा हो घोड़े को 25% कम खरीद कर 25 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, हर जगह 25-25 नज़र आ रहा। देखो क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। एक व्यापारी ने घोड़ा खरीद कर
उसे 25% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यदि वह उस घोड़े को 25% कम में खरीद कर 25 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। देखो क्या कह रहा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यापारी ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 25% के लाभ पर बेचा। मतलब मान के चलते हैं कि कोई व्यापारी होगा और घोड़ा खरीदा है 100 रुपया में, ऐसा मान लेते हैं कि खरीदा है 100 रुपये में, कॉस्ट प्राइस CP। एक व्यापारी ने घोड़ा खरीद कर 25% के लाभ पर बेचा, मतलब 100 रुपये में खरीदा और बेच दिया 125 रुपये में, मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। हम ऐसा लिख दिए हैं कि एक व्यापारी ने घोड़ा खरीद कर उसे 25% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, यदि वह उस घोड़े को 25% कम में खरीद कर, अच्छा मतलब खरीदवे करता कम में, यानी कि खरीदता ही हूँ 75 में, 25% कम में, मतलब समझ रहे हैं कि 100 का 25% मतलब अगर ऐसा होता कि वो खरीदता ही 75 रुपये में, इस तरह से 25% कम में खरीद कर 25 रुपया कम में बेचा होता, तो ये रुपया बाद में देखना। ठीक है, रुपया को बाद में देखना, फिलहाल सब परसेंटेज की बात करते हैं। बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, मतलब इसका 25% निकालो, इसका 25% है, 25% का लाभ होता इसका 25%, या छोड़ो इसका 25% नहीं निकालना तो डायरेक्ट लाभिन कह रहा था 125% निकाल लो, 125/100। अगर हम काटेंगे तो ऐसे काटेंगे, 25 से 25 के 100 पूरा मिला जुला के देखे, गुना उना करके देखे तो कितना हो गया, 75 × 5 गुना कर लीजिएगा, 5 × 5 = 25, हाथ में 2 × 7 = 35 + 2 = 37 और 4/2 से भागा दे दो, 4×9 = 36, यहाँ से 1 बचा और 5 × 15 तो 4×3 = 12, फिर भी उसमें से 4×7 = 28 और 4×5 = 20, यानी कहाँ 125 और कहाँ 93, इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो आ गया। वही कह रहा है कि 25% कम में खरीद कर और 25 रुपया कम में बेचा होता तब भी उसे 25% का लाभ होता, तो 25% का लाभ तो यहीं से उठाना पड़ेगा, और इसका 25% अगर लाभ उठाएं तो पता चलता है 93.75। सोचो कि यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस कितना है, अभी अभी सब रेशियो में ही चल रहा है या जो भी है फ्रैक्शन में चल रहा है, जो भी आप बोलिए, तो 125 से इसका डिफरेंस अगर देखें तो घटाना चाहें तो कह सकते हैं कि 25 और ये बच गया 4, 4 में से 3 गया 1, 12 में से 9 गया तो 3, 31.25। ये सब चीज़ इससे आया। ठीक है, मतलब पहले बेच रहा था 125 में और अब बेच रहा है इतना में, तो पहले से कितना कम है, तो इतना कम है, नहीं नहीं इतना कम नहीं, इतना थोड़ा कम है, इतना नहीं कम है, कितना कम है, 25 रुपया कम है, 25 रुपया कम है, इससे वो कई गुना ज़्यादा है। जब समझ में नहीं आवे तो काम करो, बटा में 100 करते हैं भाई, बटा में 100 देते हैं, बटा में हम 100 देवे न करते हैं, यहाँ पे 0.5 हटा के उसको यहाँ गुना कर दिए, अब बताओ इससे कई गुना ज़्यादा है, तो अभी वो नहीं समझ में आ रहा है सर कि कई गुना ज़्यादा है, तो जब नहीं समझ में आ रहा है तो 31/25 से भागा दे दो, तो बस सीधा सीधी पता चल जाएगा इतना गुना। लेकिन वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, हमको कुछ और निकालना है, घोड़े का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 100 था, 100 नहीं होगा, 100 में इतना से गुना कर दो, गुना कीजिए 25 से दोनों कटेगा, 25 को 100 बार में काट दिए और भी 25 से कटेगा, कई बार में कटेगा उन्हें मान, लेकिन 25 से कटेगा, 6×5 = 30 और 6×2 = 12 इतना बार में और काटेंगे तो और कटेगा, 25×100 = 25 से ही काट देंगे 25×100, तो पूरा काट छाट के जो फाइनली आंसर आया वो हो गया 16। क्या 16? 16 रुपया, क्या 16 रुपया क्रय मूल्य, थोड़ा ज़्यादा टफ लगा ना, रुको थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं, हो सकता है कि आसान लगे।
डेटा इस तरह से दिए हुए था कि आपका दिमाग घूम गया, भागा होगा गुना उना करने में। इसको थोड़ा देखते हैं, हल्का डाटा लेते हैं, इतना गुना भाग करे वाला नहीं, 25 25, इतना 25 25 लग जाता है। चलो इसको थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इजी, डेटा को थोड़ा सा हल्का बनाते हैं। इस बार है कि एक व्यापारी ने घोड़ा खरीद कर उससे 10% यही वाला 10% के लाभ पर बेच दिए। यदि उस घोड़े को 20% कम में खरीद कर 20% कम में खरीद कर 10 रुपया अधिक में बेचा होता, 10 रुपया अधिक कम में, 10 रुपया अधिक 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 में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसे 40% का। इतना जगह हम नंबर चेंज कर दिए, जहाँ जहाँ रेट दिखाई दे रहा है। अब बताना है क्या होगा। तो एक व्यापारी ने घोड़ा खरीद कर उसे 10% के लाभ पर बेच दिया, मतलब समझो, यहाँ समझिएगा, व्यापारी जो है, मान लो कि 100 रुपया हम घोड़ा खरीदा, सपोज दैट 100 रुपया हम खरीदा, मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है कि 100 रुपया हम खरीदा, और कहता है कि 10% लाभ पर बेच दिया, यानी बेच दिया उसको 110 में, ऐसा नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। यदि वह उस घोड़े को 20% कम में खरीदता तो 100 से 20% कम, मतलब 80 में खरीदता ही, यदि ऐसा होता तब, कह रहे यदि, यदि खरीदता 80 रुपया में, ऐसा होता तब कि 20% कम में खरीद कर 10 रुपया अधिक में बेचा होता, तो 10 रुपया, ये रुपया बाद में देखेंगे, इस पे ध्यान नहीं देना, रुपया पे 40% का लाभ होता, तो इसका 40% निकालो, और इसका 40% लाभ मतलब डायरेक्ट 140%, 0 से 0 ही सही, तो 14 8, अब 14 है तो 14 84 94 98, 14 8 बरी होता, 14 8 बरी होता, से मतलब गुना होके आ गया 112, यानी ये हो गया अब विक्रय मूल्य, अब वाला विक्रय मूल्य और वो है पहले वाला विक्रय मूल्य, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आपसे पूछे तो 2 रुपया के हैं, पहले वाले विक्रय मूल्य से अब वाला विक्रय मूल्य 2 रुपया अधिक है, इसमें दे लेने ना 10 रुपया अधिक है कि, यानी कई गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा, तो ये अगर 5 गुना ज़्यादा है तो एग्जैक्टली जो वास्तविक क्रय मूल्य है 100, वो भी 100 नहीं होगा, 5 गुना ज़्यादा, यानी कि वास्तविक क्रय मूल्य अगर पूछा जाए तो 100 न होकर 500 होगा, 500 आंसर, इसका आंसर 500 होगा। इस डेटा को यहाँ से इस बार 20% हटाया जाए, 40 यहाँ से हटाएं, 10 यहाँ से हटाएं, 10 रुपया यहाँ से हटाएं, इतना सारा नंबर मिटाएं, और नंबर चेंज करके क्या बैठाएं। इस बार एक व्यापारी ने एक घोड़ा खरीद कर उसे 15% के लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि वह उस घोड़े को 5% कम में खरीद कर, 5% कम में खरीद कर और 20 रुपया फिर कम में बेचा होता, 20 रुपया अधिक नहीं, 20 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, उसे 20% का लाभ होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य याद करें। देखो, चलो हमें इसका सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। एक व्यापारी ने घोड़ा को खरीद कर 15% के लाभ पर बेच दिया, तो 15% के लाभ मतलब आप समझ रहे हैं कि ये मान के चलो कि वो घोड़ा खरीदा होगा 100 रुपया में, यही है क्रय मूल्य 100 रुपया, और बेच दिया उसको 115 रुपये में, ये हो गया विक्रय मूल्य, इधर वाला हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य,
100 का 15% निकाल के देख लो, डायरेक्ट 115 आएगा। अब कहोगे कैसे, तो हम परसेंटेज पढ़ा दिए, रेशियो पढ़ा दिए, प्रॉफिट एंड लॉस भी लगभग पढ़ा के ख़त्म करने कगार पे। अब 3-4 दिन में ये भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। एक एक टाइप, एक भी टाइप के क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बड़ा से बड़ा किसी का चैनल देखते होंगे जिसका लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर है, वहाँ भी जाके आप देखोगे तो यही टाइप घुमा फिरा के बताते रहता है। और आप यहाँ से पूरा पढ़ के जाइए, आपका जो है ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहेगा। तो खैर, उतना हम अभी बकवास करने के मूड में नहीं हैं, अभी मुद्दे पर रहते हैं कि अगर 100 क्रय मूल है तो इसका 15% लाभ मतलब डायरेक्ट 115 होगा। लेकिन यदि ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तब कि नहीं, 5% कम में खरीदे, मतलब खरीदवे करे वो 95 में, यदि ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ कि 95 में खरीदे, ठीक है, और 20 रुपया छोड़ दो, अभी 20 रुपया छोड़ दो, 20 रुपया कम में बेचे वो बाद में है, अब 20% का लाभ हो, तो 20% लाभ मतलब समझ रहे हैं कि 120% निकालते हैं, 0 से 0, आई कट गया, 6 दुनी 12, 5 दुनी 10, ई कट जाएगा, 19 5 95, तो 19 6 14 से, यानी जहाँ पहले बेच रहा था 115 रुपया में और ये अब बेच रहा है 114 में, तो पहले से कितना कम हो गया, 1 रुपया, ठीक है। यहाँ ज़रा देखिए कितना कम है, 20 रुपया कम है, यानी आप जो लाए हैं उससे 20 गुना ज़्यादा है एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर 20 गुना ज़्यादा, तो क्रय मूल्य भी 100 ना होकर एग्जैक्टली 20 गुना ज़्यादा होगा। तो क्रय मूल्य की अगर बात बोलें तो 2000 रुपया होगा, ये एग्जैक्टली क्रय मूल्य होगा, 2000 रुपया, एग्जैक्ट 2000 रुपया क्रय मूल्य इसका आएगा। और कुछ इसमें और तो नहीं है बचा, एक बार देख लेते हैं कि हम जितना टाइप छाटे थे वो हो गया ना, एक घोड़ा, एक व्यापारी ने, एक व्यापारी ने, ठीक है। फिर टाइप बदला हुआ, तो जब भी टाइप बदलता है तो आपको मालूम है कि 5 मिनट 10 मिनट 2 मिनट जो भी रहे हम क्लास बदल देते हैं। क्लास आपको अगर बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो, तो क्लास को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगा होगा। तो अगर अच्छा सच में लगा हो ज़्यादा तो शेयर भी कर देना। बाकी पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।